मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोविड 19 गाइडलाइंस 31 मार्च तक बढ़ाई गई। मुंबई नागपुर के बीच दो वीकेंड स्पेशल ट्रेन, युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कोविड 19 गाइडलाइंस 31 मार्च तक बढ़ाई गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड 19 के खिलाफ जंग में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतने के स्पष्ट संकेत देते हुए पहले से मौजूद सख्त गाइडलाइन को आज एक आदेश के जरिए 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र, केरल और 7 अन्य राज्यों में से कोरोना वायरस से पीड़ित की संख्या में चिंताजनक इजाफे के कारण केंद्र सरकार और अधिक सतर्क हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह भी देखने आया है कि यह राज्य केंद्र द्वारा तय गाइडलाइन को पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं, साथ ही वह नागरिकों को इस दौरान अनुशासित करने में भी नाकाम रहे। केंद्र ने इन राज्यों को स्थिति ऐसे ही रहने पर भविष्य में कड़े कदम को संकेत दिए है। गृह मंत्रालय ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि कोविड 19 से जंग के लिए जारी दिन निर्देशों के किसी भी तरह की ढिलाई नहीं दी जाएगी और सभी को इनका सख्ती से पालन करना होगा। तो वही दूसरी खबर की ओर, मुंबई नागपुर के बीच दो वीकेंड स्पेशल ट्रेन। मध्य रेल प्रशासन ने 27 फरवरी को मुंबई से एवं 28 फरवरी को नागपुर से वीकेंड स्पेशल सुपर फास्ट ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस नागपुर वीकेंड स्पेशल ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से शनिवार 27 फरवरी को रात 11:30 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 1:45 बजे नागपुर आएगी। नागपुर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस वीकेंड स्पेशल ट्रेन रविवार 28 फरवरी को शाम 6:30 बजे नागपुर से रवाना होकर अगले दिन सुबह 8:15 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंचेगी। तो वही तीसरी खबर की ओर, युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। तहसील के सालाई मेंडा परिसर में गुरुवार को एक युवक का शव पाया गया। उसकी शिनाख्त 5 गांव कुही निवास चंदू गंगाधर महापुरे के रूप में। तहसील में सालाई मेंडा परिसर में गुरुवार को एक युवक का शव पाया गया। उसकी शिनाख्त 5 गांव कुही निवासी चंदू गंगाधर महापुरे के रूप की गई है। उसकी हत्या कर शव वहां ले जाकर फेंका गया था। ग्रामीण पुलिस की क्राइम ब्रांच ने महज 12 घंटे के इस वारदात की गुत्थी सुलझा ली। हत्या के आरोप में भारत वसंता गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। यह सलाई मेंडा का रहने वाला है। तो फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। नमस्कार।